नमस्कार, किरण सी रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप उसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न सूप। आइए देखते हैं कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। बारीक कटा हुआ गाजर और शिमला मिर्च, एक चम्मच मक्खन, वेजिटेबल स्टॉक, चीनी, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, कॉर्न और कॉर्न का पेस्ट। आइए अब कॉर्न सूप बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हमें मक्खन डाल देंगे और मक्खन को पिघलने दें। आप इसमें अब हम गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसकी जगह आप फलियां भी ले सकते हैं। और इसको भून लेंगे 2 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न का पेस्ट। इसको डालने से पहले मैं आपको बता दूं इसे बनाना कैसे है, और उसके बाद आप उसको मिक्सी कर लें, या तो कॉर्न को आप कद्दूकस कर लें तो आपका ऐसा पेस्ट आपका बन जाएगा। और इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। और इसको भून लेंगे। अब हम इसको लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट भूनेंगे। कॉर्न का पेस्ट भून चुका है। इसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे। वेजिटेबल स्टॉक क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये भी आप सब्जियों को उबाल लें और उसका पानी निकाल लें तो इस तरीके से आपका वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो जाएगा। इसको डाल देंगे इसमें और हिला लें अच्छे से। आप इसको लगातार चलाते रहें एक उबाल आने तक, ताकि जो हमारा कॉर्न का पेस्ट है उसमें गुठलियाँ ना बने। एक उबाल आने तक हमने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। इसमें हम ये कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न को डाल लें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को आप पहले ठंडे पानी में घोल लें। अच्छे से घोल लें आप इसको। ध्यान रहे कॉर्नफ्लोर को आप हमेशा ठंडे पानी में घोलें। अच्छे से घोल लें आप इसको, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। कॉर्नफ्लोर हमारा घुल चुका है अच्छे से। इस कॉर्नफ्लोर को भी हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को डालकर आप लगातार चलाएं इसको। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल लें आप 1 कप और इसको हिला लें अच्छे से। अगर आपको लगे सूप गाढ़ा है तो आप पानी और डाल सकते हैं थोड़ा। और इसको लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे फिर चीनी। चीनी आप बिल्कुल थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं, और नमक स्वादानुसार डाल लें। नमक थोड़ा आप कम ही डालें क्योंकि हमारे वेजिटेबल स्टॉक में भी थोड़ा नमक था, तो इसलिए आप नमक कम डालें। और काली मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट और पकाएंगे। अगर आपको लगे सूप आपका गाढ़ा है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न सूप बनकर तैयार है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल ले लें आप और इसे बाउल में निकाल लें सूप को।
आप भी सूप को ऐसी बाउल में निकाल लें। सिरका ले लें आप हरी मिर्ची वाला, सिरके में आप हरी मिर्च काट लें बारीक बारीक और इसको हम सूप में डाल देंगे। मैं सूप को पीते समय आप हरी मिर्च वाला सिरका डाल लें। कॉर्न सूप पीने में बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को भी यह बहुत पसंद है, आप इसको ज़रूर बनाएं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।